नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों अभी हम आ गए हैं गांव गांव आ गए हैं घर पर, और आज मैं आपको कराने वाली हूँ मेरे ससुराल के घर का होम टूर। आप लोग कई बार बोल चुके हैं कि हमें आपका घर दिखाइए, तो आज मैं आपको मेरा पूरा घर दिखाऊंगी ससुराल का। और अभी हम कुछ दिन यहीं पर रहने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर कोई फंक्शन होने वाला है, और पूरे घर के अभी कलर करवा दिया है, ये देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से दिखाती हूँ मैं आपको। वैसे तो आप लोग ये घर पहचानते ही हैं, हमेशा मेरी वीडियो में देखते हैं। तो ये है हमारा गेट, और ये यहाँ पर भैंसों का नोरा जहाँ पर हम भैंसे रखते हैं, ये पेड़ पौधे, और ये है हमारा घर। और इस पर नया कलर कर दिया है, देखिए कैसा लग रहा है, इस तरीके का कलर कर दिया है। तो चलिए चलते हैं घर के अंदर। और ये है पिंजरा जो लगभग 30 साल पुराना तो है ही, और ये है पिंजरा। और ये है आंगन, मेन गेट है आंगन। ये यहाँ पर इन्वर्टर लगाया हुआ, और ये मंदिर है घर का। और ये घड़ी भी नई लेकर आए हैं, और ये देखिए कलर कर दिया है घर के अंदर, हल्का पिंक कलर किया है। और ये पेंटिंग ऑनलाइन मंगवाई है मैंने, कैसी लग रही है? और ये इस तरीके का कलर किया है, दरवाजों पर इस तरीके का कलर है। और ये वाश बेसन लगा दिया, यहाँ पर पहले वाश बेसन नहीं था आंगन में लगाया हुआ, ये अभी लगाया है। और यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियों के आगे दरवाजा लगाए हुए। पहले मैं आपको किचन दिखा देती हूँ, ये है हमारा किचन, ये वही है जो पहले मैं वीडियो में लेती थी, और यहाँ पे रोटियां बनाती थी, वारफली की सब्जी और बहुत सारी रेसिपी मैंने डाली है। ये वही चूल्हा है, ये देखिए सब कुछ बदल गए हैं, नया हो गए हैं। पूरी रसोई के अंदर ये टाइल लगवा दी है, और ये गैस पट्टी भी नहीं थी पहले, पहले कैसी थी वो आपको मैं दिखाऊंगी। ये गैस पट्टी नहीं थी और ये टाइलें नहीं लगवाई हुई थी। और ये देखिए, और बर्तन धोने के लिए यहीं पर ये सिंक लगवा दिया है। और ये देखिए छत के ऊपर देखिए आप पंखा छोटा सा, कितना अच्छा है, इससे बहुत ही अच्छा काम हो गया। इतनी ज्यादा गर्मी है तो इसके अंदर गर्मी नहीं होती है अभी। और ये लाइटें, और ये यहाँ पर तस्वीर भी कितनी सुंदर लग रही है। और ये एग्जस्ट फैन भी लगाया हुआ है, इसके अंदर है एग्जस्ट फैन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, अभी इसके अंदर लगाया हुआ है। रोटियां चूल्हे पर ही बनाते हैं, इसलिए हमने ये लकड़ी और छाना लेकर आए हैं, यहाँ पे मटकी रखी हुई है। तो कैसा लगा हमारा किचन बताइएगा जरूर कमेंट करके। अभी चलते हैं इस रूम के अंदर, यही वो रूम है जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, यहाँ पे कूलर लगा हुआ है, यहीं पर मैं मिट्टी के खिलौने बनाती थी। ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, और ये तस्वीर देखिए आप बाबू की, कल्पना की है। तो जब मैं ससुराल में थी तब यही मेरा रूम था, इसके अंदर मैं मिट्टी के खिलौने बनाती थी, मेरी स्टार्टिंग हुई थी वीडियो डालने की। तो जब मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया था तो इसी रूम से किया था, और मेरे पास ट्राइपॉड भी उस वक्त नहीं था,
मैंने कुछ जुगाड़ किया था, वो जो आप देख रहे हैं ऊपर कुर्ता लगा हुआ है उसके एक डोरा बांध कर मैंने एक कार्डबोर्ड से ट्राइपॉड बनाया था, कुछ जुगाड़ किया था। तो यादें हैं यहाँ की। तो चलिए आपको और घर दिखाती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। अभी चलिए छत दिखाती हूँ आपकी। तो अभी चलिए मैं आपको छत दिखाती हूँ। ये है सीढ़ियाँ। ये देखिए ये पेंटिंग मैंने ऑनलाइन मंगाई है, देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और हल्का पिंक कलर इसके अंदर किया हुआ है। अभी इसको खाली कर दिया इस रूम को, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके इस रूम के अंदर ये दो खिड़कियां हैं। और ये देखिए यहाँ से बाहर का व्यू। और ये पानी की टंकी जो रसोई के अंदर पानी जाता है उसकी है। और अभी आज का मौसम आप देख सकते हैं, बादल आए हुए हैं थोड़े बहुत। तो चलिए चलते हैं वापस नीचे। घर के कलर कराने के बाद घर बहुत सुंदर लग रहा है। तो अभी वापस नीचे आ गए हैं। अभी दिखाती हूँ मैं आपको बाहर का रूम। ये है गेस्ट रूम। यहाँ पर भी इसी तरीके की घड़ी लगाई हुई है। और ये देखिए यहाँ पर एसी लगाई हुई है। तो ये हमारा गेस्ट रूम है। बाहर का जो कमरा होता है बड़ा सारा वो है। अभी हम भैंसों के लिए चाटा तैयार कर रहे हैं और इसके अंदर खड़ भिजोई हुई है और बाजरी का आटा है। ये देखिए आप लोग, अभी गर्मी के अंदर हम जो दलिया बनाकर है वो नहीं देते हैं, ओनली खड़ और आटा मिला कर ही देंगे। और ये थोड़ा बारीक कचरा मिला लेंगे सारा। दो भैंस हैं हमारे और दोनों भैंसों के लिए मैं दो खारियों के अंदर ये चाटा निकाल रही हूँ, लेकिन जो दूध देती है उसके लिए ज़्यादा निकालेंगे और जो दूध नहीं देती है उसको कम देते हैं हम चाटा। और एक पाड़ी है उसको भी ये चाटा दे देंगे।
देख रहे हो अब दोस्तों, आपको हमारा घर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।